हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रानी शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द मेंडेलियन जेनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द मेंडल। बेटा मेंडल ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन द पी प्लांट। तो मेंडल ने बेटा जो वर्क किया है वो किया आपके पी प्लांट पे। सो मेंडल वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। तो बेटा मेंडल ने ये बेसिकली स्टडी किया था कि जो आपके करेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग जो करेक्टर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा, पेरेंट्स से आते हैं। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट द मेंडल कल्टिवेटेड एंड टेस्टेड 28,000 पी प्लांट्स। बेटा एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू मेंडल द पार्टिकल्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम करेक्टर। But later on, the particles were named as chromosomes and DNA. अब देखिए बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं basic terminology की। सबसे पहले traits का मतलब क्या होता है बेटा? वो characters जो parent से offspring में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? traits बोलते हैं। मतलब कि वो characters जो parent से offspring में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? traits बोलते हैं। और ये जो अगर traits आपके parent से offspring में जाते हैं इसको हम कंबाइंडली एक वर्ड बोल सकते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक्स। अब देखिए मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस आते हैं। जिस क्रॉस में सिर्फ सिंगल ट्रेट हो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि द क्रॉस इन्वॉल्विंग अ सिंगल ट्रेट। जैसे मानिए मैंने दो प्लांट पे क्रॉस करवाया, ठीक है, एक टॉल है एक ट्वाफ है, ठीक है, बट करेक्टर तो एक ही है ना, हाइट। तो क्रॉस किस में हो रहा है? सिंगल ट्रेट में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा अगर आपका क्रॉस दो ट्रेट्स के बीच में हो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला फ्लावर कलर और प्लांट हाइट, एक में फ्लावर कलर प्लांट हाइट डोमिनेंट आ जाएगा, सेकेंड में फ्लावर कलर प्लांट हाइट आपका रिसेसिव आ जाएगा। तो देखिए एक टाइम पे दो ट्रेट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, ऐसे अगर दो ट्रेड्स में एक टाइम के बीच में क्रॉस हो तो क्या बोलते हैं बेटा? डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा ये पुनेट स्क्वायर होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द F2 जनरेशन, ठीक है। और बेटा एलील्स का मतलब क्या होता है? देखिए एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, हर एक जो जीन होती है बेटा उसकी बेटा आपके पास दो फॉर्म्स होती है, एक होती है डोमिनेंट एक होती है रिसेसिव। जैसे मान लीजिए हाइट है, अब हाइट के दो जीन्स हैं, एक टॉल है एक क्या रिसेसिव है डॉर्फ। तो कैपिटल टी टॉल है और डॉर्फ का क्या आता है बेटा? स्मॉल टी। मेरी बात एक याद रखिए बेटा, जो भी करेक्टर है ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी आपका डोमिनेंट करेक्टर होता है ना, डोमिनेंट ट्रेट होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास डोमिनेंट ट्रेट है टॉल, उसका पहला वर्ड क्या है बेटा? कैपिटल टी, तो वो टॉल को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसका सेकेंड रिसेसिव क्या होता है? डॉर्फ। तो कैपिटल टी का अगर आप शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे, उसका स्मॉलर वर्जन लेंगे तो क्या आता है? स्मॉल टी। तो स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ड्वार्फ को। मतलब कि जो डोमिनेंट का जो पहला वर्ड होता है ना बेटा, डोमिनेंट जो करेक्टर है उसका जो पहला वर्ड है वो, उसको अगर आप कैपिटल कर देंगे तो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप उसी वर्ड को आप स्मॉल में कर देंगे तो आप किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? रिसेसिव को कंप्लीट करेगा। अब ये एक जीन के तो दो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी टॉल का, स्मॉल टी ड्वार्फ का, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। मतलब कि टू फॉर्म ऑफ ए जीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलील। उसमें एक डोमिनेंट होता है, सेकंड क्या होता है? रिसेसिव होता है। अब डोमिनेंट जीन कौन सा होता है बेटा? डोमिनेंट जीन वो होता है बेटा जो आपका हमेशा एक्सप्रेस करता है, चाहे साथ में रिसेसिव हो या चाहे वो अकेला हो। अगर बेटा दो दो डोमिनेंट जीन अकेले हैं, जैसे कैपिटल टी, तो जब दोनों जीन आपके सेम हो एलील्स में तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जब आपको बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखिए जीन में दोनों बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है बेटा, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो बेटा देखिए अब हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो चलेगी किसकी? जो डोमिनेंट में, जो कैपिटल में है। कैपिटल में कौन है? कैपिटल टी। तो कौन सा करेक्टर आएगा बेटा? टॉल। डोमिनेंट क्या होता है बेटा? जो दोनों जीन से स्ट्रॉन्गर होता है वो जो हमेशा क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। अब आता है बेटा रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होता है वो जीन जो बेटा आपका
एक तो लोअर केस में होता है वो जो